Hey guys, welcome back to my channel Twinkling Style and Fashion. Hope you all are doing good. तो आज वीडियो मु पूरा ओडिया रे करी मोर सब ओडिया ऑडियंस मानको पई आउ जो माने ओडिया बुझी पारंती नी, जो लोग ओडिया नहीं समझ पाते हैं, अगर इनको ये वीडियो देखना होगा कभी ये ट्यूटोरियल मैं हिंदी में भी बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटा स्पेशली मो ओडिया ऑडियंस मानको पई, जेहेतु आगो को रज आसुची, सो एबेका जो सिचुएशन अच्छी कोविड पैंडेमिक रे, एटा झियो मानकर फेस्टिवल नो डाउट, किंतु एबेका सिचुएशन रे को भी झियो बाहर को सलोन एंड पार्लर वगैरह जाके निजो को ग्रूम अप करी पार ना हंती, एंड वर्ष को थरे रज आसे तो सेडा मिस करया कथा नुए ऑब्वियसली। सो आज मु आपनको किछटा बहुत भलो टिप्स देबी, किछटा स्किन केयर टिप्स देबी, एंड तापर गोटे मेकअप लुक क्रिएट करबी जोडे कि आपन रज दिन निजे घरे ट्राई कर पारे, एंड जिते इच्छा सेते यू नो फोटोज क्लिक कर पारे, वीडियोस बन पारे, एंड सुंदर देखा जाए पारे। सो वीडियो को लेंदी इंट्रो को लेंदी न करके हमें डायरेक्ट वीडियो पर कुछ भी, एंड एटा मो चैनल रे शायद सेकंड ओडिया वीडियो, मु केबे भी ओडिया रे वीडियो बनाए नी, कारण बहुत ऑडियंस अछन्ती जो मैंने ओडिया बुझी पारे नी, सेति पे मु हिंदी रे बनाए। सो आज वीडियो पूरा ओडिया रे रहिबो, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को जीवा पूर्वर जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करी ना हंती, प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, साइड रे छोटो गोटे बेल आइकन अच्छे ताकू भी क्लिक करदे, मुझे जब भी वीडियो अपलोड करी आप बहुत जल्दी नोटिफिकेशन पड़े, एंड आपड़ सांग सांग मो वीडियो देख पारे। ओके, सो जेहेतु आम पार्लर वगैरह जापरने तो स्किन केयर आम घर ही करवा, एंड मुझे सब इजी जिनस बतेबी जोटा कि समस्त पाखे आवेलेबल थी, जदि नार अल्टरनेट भी बतईदेवि जोटा कि आपण मन को बहुत हेल्पफुल हम। सो स्टार्ट करवा, एवं मुझे फेस्रे कि अप्लाय करनी, बट ता पूर्व मुझे चाहूँगी कि आईब्रो शेप से गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम। सो आईब्रो शेप मो घर ही करी, मोर फेशियल रेजर जहाँ पर मुझे ऑलरेडी गोटे वीडियो बनई देती, आप जब चाहिए मुझे तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देदेवि। सो बाय दैट मेथड मुझे आईब्रो शेप कर देती। सो नाउ विल गो क्लींस करें, आम फेस को कमी क्लीन करें, आप देखे पार्थे मो फेस के डल देखाऊँच ऑब्वियसली, बिकज मुझे स्किन केयर मझे टी प्रपर्ली करें तो मो फेस डल देखा एवं किटा वे आपको बतेवि जोटा कि आपको इनस्टेंट ग्लो प्रोवाइड कर। सो फर्स्ट हूँ आम फेसवाश यूज करवा, जहाँ पाखे भी जो फेसवाश अच्छे से फेसवाश यूज करने सेमती ना कि मुझे यही फेसवाश यूज कर यूज कले आप फेस ग्लो कर, आपड़ एपर्तंत जो भी फेसवाश यूज करूँ से ही फेसवाश को आपड़ आगे आम फेसवाश अप्लाई कर। सो हि आम यूजिंग डर्मोवाइफ फेसवाश, सो एटा गोटे न्यू फेसवाश मुझे ट्राए करुँ कि दिन हम, एंड इट्स सो ऑसम, एत भल फेसवाश मो फेस कम दौर ए फेसवाश पर मुझे गोटे इनडेप्थ रिव्यू बनेबी। सो फेसवाश को मुझे भल से यू नो शेक वेल बिफोर यूज, इतनी फेसवाश मुझ मो हाथ में नहीं गली, देन मुझे भल्ले मो फेस अप्लाय करदेवि। फेसवाश कराया तो समस्ते जानते ये किसी शिखार नाई, सो भल कि आगे मुझे फेसवाश करदे कि सांग सांग आसूची। ओके, सो फेस वॉश करके मैं आसीगली, आप देखिपे मो स्किन रे गोटे इंस्टेंट ग्लो। सो ये फेस वॉश आप जापे कि केते इफेक्टिव है फेस वॉश। सो सेकेंड स्टेप आमर होची स्क्रबिंग। ओके, सो एबे मु फेस रे स्क्रबिंग करेबी, एक्चुअली मु स्क्रब यूज करे नी, मु केमिकल एक्सफोलिएशन यूज करे, बट आई नो कि आप समस्त पाखे तो केमिकल एक्सफोलिएशन नथिबो। सो आज आम स्क्रबिंग करवा, स्क्रबिंग भी मुझे पूरा फेस रे करी बिकज मोर पिंपल्स है, एंड आई डोंट वांट टू ट्रिगर दैट पिंपल, तो मुझे केवल मोर नोज रे आउ फोरहेड रे ही नोज आउ फोरहेड रे ही स्क्रबिंग करी। तो सेकेंड स्टेप स्क्रबिंग कि मुझे यूज करुच्ची एम कैफिन कॉफी स्क्रब, आउ ये स्क्रबटा पर्सनाली मोर बहुत फेवरेट, लास्ट टू इयर है मुझे स्क्रब यूज करुच्ची, अल्प अमाउंट स्क्रब निली, यार जो पार्टिकल्स गुड़ाक भी ये बहुत छोटो छोटो पार्टिकल्स जोड़ा कि आपण को स्किन हार्श हो न थाए। सो अल्प अमाउंट स्क्रब नहीं कि ना मोर नोज रे ही केवल अप्लाय करी, आउ कौटी भी मैंने नोज आउ फोरहेड पूरा फेस रे मुझे स्क्रब करी, आपण मैंने चाहिए तो पूरा फेस रे स्क्रब करदे, जहाँ पिंपल्स होने अवॉइड करेंगे पूरा फेस रे स्क्रब करा, जो जगह पिंपल्स नहीं आपड़ से स्क्रब करेंगे स्क्रब करदेवि, कारण यही जगह गुड़ाक ब्लैक हेड्स अधिक थाए। सो ब्लैक हेड्स को रिमूव करापी मुझे फिजिकल एक्सफोलिएशन आज करुँ आफ्टर सो लंग, वीडियो करुँच कैमेरा आगे बसिकिना तो मुझे एत थोर उठिक जापरिनी, से मुझे गोटे वेट वाइप्स नहीं कि ना से स्क्रब पार्टिकल्स गुड़ाक पोछीदेवि। गला पर भी आपण मैंने देखु फेस केते क्लीन लगुच मोर। सो आफ्टर दैट मु नेक्स्ट स्टेप को जी जोटा कि हूँ फेस पैक मु यूज करी। सो यही मु यूज करुच्ची प्लम्र फेस पैक,
प्लमर ग्रीन टी फेस पैक यहीटा मोर ऑल टाइम फेवरेट फेस पैक यहाँ मो स्किन को बहुत भल सूट करे जेहेतु मोर ऑयली आउ एक्ने प्रोन स्किन तो मो स्किन को यहाँ बहुत भल सूट करे जहाँ पाखे जो भी फेस पैक अच्छे से मैंने लगे पारे आहाँ पाखे फेस पैक टोटाल रू ना घरे बेसन आउ हलदी थी सिंपल बेसन हलदी तादेह टिके पानी पकईकना आप लगे पारे से दि बेस्ट नेचुरल रेमेडीज सब टाइप अफ स्किन को सूट करे बट गोटे डिस्क्लेमर मुझे देवी आपदी बेसन हल्दी आप डेली बेसीस यूज करते तो कंचा हलदी आनिकिना आउ बेसन घरे बनिकिना ही यूज करूँ बाहर किणा बेसन आउ हल्दी यूज करूँ बिकज तादेह केमिकल एड होता है घर बेसन आउ हल्दी अच्छे जो से यूज करेंगे आप पैक करना पानी रे या फिर रोज वाटर रे बट ये मुझे यूज करुच्ची मोर प्लम फेस पैक सो मु पूरा फेस रे प्लम रो फेस पैक अप्लाई कर देबी भल कि ना मो हाथ रे ही अप्लाई करे कर दे जे जोडी जहा टिके लागिनी मु सेडा ऑफ कैमरा रे लगे देबी सो फेस पैक को मु 10 टू 15 मिनट्स से मु फेस रे रहिया को देबी तापरे जाई कि मु क्लीन करबी माने धोइबी नॉर्मल पानी रे आपण फेस को धोई देबे फेस जितेबले टिके फेस पैक ते सुखी आसीबो सेतेबले आपण पूरा ड्राई हे गला परे फेस को वॉश कर देबे एंड फेस वॉश करिक मु आपण सो मु फेस क्लीन करके आसीगली आपण माने एबे देखी परथबे मो स्किन रे डिफरेंस सो नाउ एबे मु गोटे आईज नेबी आईस क्यूब बरफ नहींकना मो पूरा फेस रे अप्लाई कर देबी भल कि अप्लाय करदेवि आईज अप्लाय कले कौन हुए मुझे कहूँ आमर जो ओपन पोर्स गुड़ाक थाए से सब क्लोज हो जाए सो आप जो भी स्क्रब करके आईज अप्लाय करदे आपण ओपन पोर्स गुड़ाक क्लोज हो गले आपण फेस रे मेकअपटा बहुत फ्लॉलेस लगे तो से जब भी मेकअप कर कि स्किन केयर किसी एमती करना मेकअप कर आईज टी अप्लाय करदे बेटर सो आपण मैंने देखिपे निजे कि मो फेस एत रिफ्रेसींग क्लीन लगुच्छे सो नेक्स्ट स्टेप आमर होची टोनर सो एबे आमे टोनर यूज करिया सो टोनर पाई कि सेम मु प्लम रो ग्रीन टी टोनर यूज करुच्छी आपण मैंने मोर बहुत वीडियोस रे देखिथे मु प्लम रो ग्रीन टी टोनर ही सब बेले यूज करे सो गोटे कॉटन पैड नेली एंड कॉटन पैड रे टिके टोनर मु नेकिना पूरा फेस रे अप्लाई कर देबी भल कि ना आपण को घरे जदि टोनर नाही तो आपण रोज वाटर भी लगे पारे नो प्रॉब्लम सो एतिकी थिला आमर स्किन केयर रो मेथड आपण देखिले ई स्किन केयर एबे माने कला बेले मो करला परे मो स्किन केते क्लियर देखाउची तो आपण को पार्लर जाई ना फेशियल करिया भी एते दरकार पड़िबनी आपण घरे ही आपण को फेस पूरा क्लीन देखा जिवो मु माने एडा आपण को आगे ही टेस्ट एंड ट्रायल करले एंड आपण निजे डिफरेंस देखि परतो स्टार्टिंग जतळ मु वीडियो करथले नेबे मु मो ड्रेस चेंज करके आसी जाई छी दीटा घ ड्रेस रा कलर सेम तो आपण को सेम लागतो बट एडा मोडे अलगा ड्रेस पिनची सो एबे आमर मेन पार्ट आसला मेकअप स्टेप बाय स्टेप मु आपण को मेकअप पूरा बतेबी केमती आपण कर परबे आ बहुत इजी वे बतेबी जोडा कि समस्त घरे करें जो भी जहाँ पाखे जो जिनस अच्छी एमती ना कि मुझे खाली वीडियो बनवाक बनी दी बट आपण मैंने यूज कर पार नए आपण मैंने मैंने रियली यूज कर पार नए सो आम वीडियो स्टार्ट करवा मेकअप रे फर्स्ट आम स्टार्ट करवा गोटे मॉइश्चराइजर मुझे एवं फेशियल ऑयल लगोनी कारण समस्त पाखे फेशियल ऑयल नथिबो जो मानक पाखे सेरम की ऑयल अच्छे से यूज कर पारे बट आई डोंट फिल कि मत सेरम की ऑयल दरकार से मुझे डायरेक्ट मॉइश्चराइजर स्टार्ट करुच्ची सो मॉइश्चराइजर पर मुझे आज यूज करुच्ची न्यूट्रीडर्म मॉइश्चराइजर एटा भी मुझे से फेस वॉश सांगे नुआ यूज करुच्ची एंड दिस मॉइश्चराइजर इज सो गुड दीटा को ही मुझे रिव्यू देवी मॉइश्चराइजर मुझे मो हाथ में नहीं गली आउ मेकअप पूर्व तो ये मॉइश्चराइजरटा बहुत भल कम दूसरी आपण बेस को पूरा भल से रखुच्छे आपण फेस रे सो मुझे आगे भल से मॉइश्चराइजर अप्लाई करदे आपण पाखे जो भी मॉइश्चराइजर अच्छे आप अप्लाई करेंगे आदि क्या पाखे किसी भी मॉइश्चराइजर ना से डे क्रीम जो लगे से लगे पारे सो मॉइश्चराइजर लगेदेलापर प्राइमर अप्लाई करिया भाई आपण पाखे जहाँ भी ऑप्शन अच्छे आप यूज करेंगे प्राइमर जो भी प्राइमर आप यूज करेंगे मुझे यहाँ कलर बार प्राइमर यूज करुच्ची यहाँ गोटे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जोटा कि ऑयली स्किन मानक बेसी भल होता है पोर्स को हाइड करें सो ए प्राइमरटा मुझे मो टी जोन में अप्लाय करदेवि भल कि ना मुझे भल कि ना मोर पूरा टी जोन में मोर प्राइमर अप्लाय करदेली आपण मैंने देखुवे मो स्किन एत स्मूथ देखाऊँ से मॉइश्चराइजर आउ प्राइमर यूज करदेला मो स्किन ए पूरा फ्लॉलेस आउ स्मूथ देखाऊँ मेकअप स्टार्ट करवा तो फेस मेकअप सब बेले मुझ आग आईब्रो रु स्टार्ट करे आपण मैंने चाहिए तो आग फाउंडेशन लगे पारे बट मो हिसाब से आग टे आम आई मेकअप करदेपर आम बेस उपरको जावा जोटा कि आप समस्त भी इजी र आई मेकअप पे जहाँ पाखे जो भी आई पेंसिल की कौन अच्छे आपड़ यूज करेंगे मुझे वेट एंड वाइल्ड आईब्रो किट यूज करुच्ची मोर एंड सॉरी मो नेल पेंट
मत टाइम है लगे सो प्लीज इग्नोर दैट। फर्स्ट मुझे मो आईब्रो को फिल इन करी सो से कि ये किट्रे ये टी ब्राउन शेड अच्छे मुझे ने पूरा डार्क ब्लाक शेडटा मुझे ने आपर आईब्रो शेप जो अनुजाई थी से अनुजाई आप आईब्रोटा को पूरा फिल इन करेंगे आग उपर गोटे लाइन क्रिएट करेंगे देन तले गोटे लाइन क्रिएट करेंगे देन भितरटा को फिल इन करदे इट्स एज सिंपल एज इट इज। सो मुझ दुटाक आईब्रो कम्प्लीट करके आपको आस टूल आपरे थी आई थिंक सो सो से नहीं कि मो आईब्रोटा को सेट करदेवि भल कि मैंने मो आईब्रो जो स्टाइल अच्छे से स्टाइल मुझे एमती कोम करना सेट करदेवि। तो आईब्रो को क्लीन करिया को आईलिड को सेट करिया मुझे गोटे कनसिलर यूज करुच्ची एटा मुझे मेबलिन सो मेबलिन न्यूयॉर्कर कनसिलर मुझे यूज करुच्ची फिटमी कनसिलर इन द शेड मीडियम। तो या को भल कि मो आईलिड रे पूरा सेट करदेवि आम आईब्रो को भी क्लीन करदेवि आप जो भी कनसिलर अच्छे आज यूज करेंगे जदि कनसिलर ना तो आप फाउंडेसन भी ये स्टेपटा को फलो करेंगे आगे मो आईब्रो स्थले भल कि अप्लाय करदेवि देन पूरा मोर आईलिड उपर अप्लाय करदेवि कनसिलर। ओके सो मे बी मोर पूरा आई लिड उपर कनसिलर अप्लाय करदेपर आम कौन करा गोटे ब्यूटी ब्लेंडर नवा आई होप सो समस्त पाखे ब्यूटी ब्लेंडर थी ब्यूटी ब्लेंडर थी ही मेकअप करा बहुत इजी नदी आपखे किसी एमतिया ब्रश अच्छे देन आप ब्रश रे भी ब्लेंड करेंगे। सो मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड करुच्छे ब्लेंडरटा को ओदा करना सब यूज करेंगे सो यहाँ को मुझे आस्ते 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 पूरा सेट करदेवि ब्लेंड करदेवि मो आईज्रे। तो मो आईज एवं सेट हो जाए आपने चाहिए उपर भी आने क्लीन करेंगे बट मुझे क्लीन करूनी सो तापर एमेंपर से सांगे सांगे क्रीज हो जाए आम कनसिलरटा तो आम कि लूज पाउडर ना कंपैक्ट पाउडर ताकि सेट करदे। तो मुझे लूज पाउडर यूज करुच्छी के ब्यूटी लूज पाउडर मुझे यूज करुच्ची आपण मैंने चाहिए कंपैक्ट यूज करेंगे पाउडर नहीं किना मो आईलिडटा को सेट करदेवि। बहुत ही ज्यादा सिंपल रहिबो कारण समस्त पाखे बहुत टाइप आई शेडो पैलेट न थाए तो आपण पाखे जो भी आई शेडो पैलेट थी आपण आराम से आई मेकअप टाक क्रिएट करें। सो मुठी मो फेवरेट मेकअप रेवल्यूशन रिलोडेड पैलेट यूज करुच्छे आपखे जेकोसी आई शेडो पैलेट अच्छे आज यूज करेंगे ट्राए करेंगे कि मुझे जो आई शेडो कलर कहे से ही यूज कराया ना आपको मुझे किसी आइडिया देदेवि जोटा कि आप हेल्पफुल रोक। सो फर्स्ट आम गोटे पूरा न्यूड शेड ना जोटा कि पूरा लाइट कलर शेड आप देखिपे मो आई शेडो पैलेट यही सब लाइट शेड यहीटा मतलब लगुच न्यूड्रे सो मुझे यही शेडटा को आग ने ब्रश रे नेली गोटे फ्लफी ब्रश मुझे देन मु कौन करी टिके डार्क कलर रो शेड नेबी यही पैलेट रे ही मोर डार्क शेड अच्छी आप देखिपे आपन को भी मिल जाव सेम पैलेट रे इधर यही शेड ना यही शेड आप कौटा भी नहीं पारती। सो मुझे डार्क शेड नहीं कि ना मोर आउटर वी रे अप्लाई करी आउटर वी माने हमारे आखिर जो यही पार्टा को आउटर वी कौच हल्का हल्का यहाँ को अप्लाय करुच्चे शेडोटा को ताको टिके भल किना ब्लेंड भी करदेवि ये सब सिंपल आई मेकअप आपको कहे जोटा कि सब ड्रेस रे जीवो एंड समस्ते इजिली करें सिंपल सरला यहाँ सरला गोटे लाइट शेड आम नवा एंड आम अप्लाय करदे यही शेडटा को मुझे नेबी। ओके ब्रश नहीं कि आप अप्लाय करें सो यही रोज गोल्ड शेडटा को मुझे पिक करना मोर कट क्रीज करी मुझे कट क्रीज आज कनसिलर करूनी कारण आम इजी मेकअप करें जोटा कि समस्ते क्रिएट करें। सब यू नो ड्रेस सांगे भी जीव सो यहाँ को आठ आना ब्लेंड करदे आपखिपी के इजिली मोर आई मेकअप क्रिएट हो गला या द्वारा आमको किसी कर आई मेकअप तो सब ड्रेस सांगे जीव सेम आम एपट आखिरे कर जल्दी कम्प्लीट कर आसूसी समस्त क्रिएट करेंगे डिफिकल्ट आई मेकअप बताइले तो कहीं करें सो ये आम सरपर एम आई लाइनर अप्लाय करा ये लैक्मी आई लाइनर अप्लाय करुच्छे आपखे जो भी आई लाइनर थी आपड़ा अप्लाय करेंगे आउ लाइनर कंप्लीट हो गला मुझे मस्कारा अप्लाय करी काजल भी मुझे लगे मस्कारा पाई कि मुझे यूज करुच्ची लॉरियल पेरिस रो लैश पैराडाइज मस्कारा यहाँ हूँ वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा
सो मस्कारा भल कि मुझे कोट करदेवि मो आईलैशेस पाखे आईलैशेस ना से एंड करेंगे जो मैं पाखे आईलैशेस अच्छे से अप्लाय करदे आईलैशेसटा मुझे भिडियो देखे लेंदी हो सो तुरंत मुझे आईलैशेस लगे पलै डायरेक्ट आम फेस मेकअप को जी फेस मेकअप मुझे बहुत इजी रखी जोटा कि समस्ते करेंगे आई मेकअप भी बहुत इजी थी सो फेस मेकअप फर्स्ट आम फाउंडेशन रु स्टार्ट करवा फाउंडेशन मुझे नौ मेबलीन रो फिट मी फाउंडेशन मो शेड हूँ 228 सॉफ्ट टैग की फाउंडेशन नहीं बिकॉज फाउंडेशन अधिक केबे काढ़े नहीं फाउंडेशन आम लेयर अप करानी अल्प फाउंडेशन आम अप्लाई करवा सो फाउंडेशन मु पूरा फेस रे अप्लाई करदेवि भल कि ना सो पूरा फेस रे मो फाउंडेशन अल्प अप्लाई कर देजी और ताकु मे बे मो ब्यूटी ब्लेंडर रे ब्लेंड करबी और सब बेले ब्यूटी ब्लेंडर रे ए डैब डैब मोशन रे अपन माने ब्लेंड करबे जोटा कि इजी हेई थाय ब्लेंड करिया को अब भलो से ब्लेंड हेता केबे बे एमती घसी रगड़ी किना ब्लेंड करबे नी एमती डैब डैब मोशन रे पूरा ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड करबे करेंगे कि एसी रूम ना जो थंडा जगह से बस मेकअप करेंगे गरम बसिक केवल मेकअप करेंगे मेकअप रजा उड़ी जाए मुझे ट्राए करी कनसिलर ताको हाइड करा सो सेम मेबलीन फिट मी कनसिलर इन द शेड 225 मीडियम अप्लाय करुच्ची कनसिलर जहाँ पाखे भी अच्छे जो ना से फाउंडेशन को एज अ कनसिलर यूज करपारे आम सो कनसिलर आमको एति ही अप्लाय करार अच्छे एमती भूत भाया देखा जा रही सो देन वी विल ब्लेंड द कनसिलर सेम ब्यूटी ब्लेंडर आम ब्लेंड करदे आप चाहिए कनसिलर स्किप करें बट कनसिलर फेस रे गोटे भल डेफिनेशन आसे सो आई लाइक टू अप्लाय कनसिलर कनसिलर ब्लेंड होगा जो भी कंपैक्ट पाउडर थी ता देहरे पूरा फेस को सेट करेंगे सो आपको पूरा फेस को कंपैक्ट सेट करें आपरे जो भी कंपैक्ट पाउडर थी से यूज करेंगे मुझे मोर लूज पाउडर यूज करुँ के ब्यूटर आईटा बनाना शेड्रे अच्छी कारण जेहेतु मो स्किन टी येलो अंडरटोन तो मुझे बनाना शेड्र पाउडर यूज करुच्ची सो मुझ अंडर आईज सेट करने आगे पाउडर अप्लाय करदेवि करदेवि ये कंपैक्ट पाउडर में फेस रे टिके डेफिनेशन आने पे कंटूर यूज करिए जहाँ पाखे कंटूर ना से आई शैडो पैलेट रे जो डार्कर ब्राउन शेड अच्छे ताकू भी एज अ कंटूर यूज करेंगे जो जदि ब्लेंड हो ना नहीं ब्राउन कलर लिपस्टिक भी एज अ कंटूर शेड यूज करेंगे सुगर र पैलेट नौ कंटूर पाई कि बहुत लाइट कंटूर शेड अच्छी टिके फेस रे डेफिनेशन एड करने मुझे कंटूरिंग करी जस्ट दि साइड गाल करी कंटूरिंग एंड टिके नोज कंटूरिंग करी आपने डिफरेंस जानी पारे कंटूरिंग कला फेसटा टी डिफाइन लगे देन मु नोज कंटूरिंग भी टी कर मोर भल लगे कंटूरिंग तो से मुझे कंटूरिंग करके ना ही ब्लश अप्लाई करी देन ब्लश ब्लश आप जो भी ब्लश अच्छे अप्लाय करेंगे ना आप पिंक कि रेड लिपस्टिक को भी हाथ में टी एम यू नो स्प्रेड कर देकिन एज अ ब्लश अप्लाय करेंगे मुझे यही ब्लश सेट्टा अप्लाय करुच्ची सुगर पैलेट्रु ब्लशटा भल लगे लगे बिकज ब्लश लगे समस्त बहुत सुंदर देखा जाती सो ब्लश अप्लाय करदे मुझे ब्लश अप्लाय करापे मुझे पूरा फेस को सेट करदेवि आपड़ी सेटिंग स्प्रे ना टोनर को भी आप एज अ सेटिंग स्प्रे यूज करेंगे मुझे मुझे सेटिंग स्प्रे यूज करुच्ची सेटिंग स्प्रे यूज करले फेस रे मेकअप टा टिके बहुत टाइम जाए रहे आ फेस टा टिके भलो ग्लो करे मु मोर हाइलाइटर यूज करबी हाइलाइटर मु सेम नौची सेई पैलेट रु ही एथरे मोर 3-in-1 एटा सो ए हाइलाइटर टा सुगर हाइलाइटर ने किना मु जोड़ी जोड़ी मोर हाइलाइटिंग पॉइंट्स अछि सेट सेटी हाइलाइटर यूज कर देबी ओके सो हाइलाइटर मोर कंप्लीट हेई गला एंड एबे फाइनल आम लिपस्टिक अप्लाई करे हेटी साइड रे मु स्क्रीन अच्छी तो बारंबार मु स्क्रीन को देखुची सो फाइनली आम एबे लिपस्टिक अप्लाई करिया लिपस्टिक पे जी जो शेड चाहिबे यूज करी परिबे सो मु टिके डार्क शेड प्रिफर करबी या संगे यूज करिया बिकॉज भल लागिवो यू नो टिके डार्क लिपस्टिक लगेले भल लागिवो मु भाबुची सो मु एई शेड टा अप्लाई करुची माय ग्लैम रो स्लो फेड शेड एडा मु एडा अप्लाई करुची मु लिप्स रे
ओके सो फाइनली आज मेकअप लुक कम्प्लीट हो गला आउ ये जो मेकअप लुकटा मुझे क्रिएट कर बहुत सिंपल थिला एंड समस्ते यहाँ क्यारी करें सब आप मैंने ड्रेस यूज करेंगे बहुत मानते एमती मेकअप लुक जोटा कि सब ड्रेस सागर सब मानने साड़ी एंड चुड़ीदार जहाँ भी आप पिंधे सागर जी वेस्टर्न वेयर सागर भी जी तो सागर मुझे गोटे भल झुमका एंड गोटे बिंदी लगे जोटा कि आम इंडियन कल्चर सो आई होप कि आपको ये भिडियो बहुत हेल्पफुल लगे एंड बहुत भल लगे प्लीज मत कहे कमेंट सेक्शन में वीडियो केमती लगला सो वीडियो को मैं लेंथी करी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लव यू ऑल।